हर समय हुई है, हर कोने में हुई है। इस वजह से देश के कोल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट भी कम होता था और उसकी एफिशिएंसी भी हमेशा सवालों के घेरे में रहती थी। कोयला निकलता किसी राज्य में था, जाता सैकड़ों किलोमीटर दूर किसी अन्य राज्य के पावर प्लांट के लिए होता था, जबकि वे राज्य के पावर प्लांट्स कोयले का इंतजार करे रहते आते थे। यानी काफी कुछ मिसमैनेज था, अस्त व्यस्त था। साथियों, साल 2014 के बाद स्थिति को बदलने के लिए एक के बाद एक कई कदम उठाए गए। जिस कोल लिंकेज की बात कोई सोच नहीं सकता था, वो हमने करके दिखाया। ऐसे कदमों के कारण कोल सेक्टर को मजबूती भी मिली। आज बड़े बड़े रिफॉर्म्स को एब्सॉर्ब करने की ताकत उसके अंदर आ रही है। अभी हाल में हमने वो रिफॉर्म्स किए जिसकी चर्चा दशकों से चल रही थी, आप लोग भी कर रहे थे, जो अपने आप को एक्सपर्ट कमेंटेटर मानते हैं वे भी कर रहे थे। अब भारत ने कोल और माइनिंग के सेक्टर में कंपटीशन के लिए, कैपिटल के लिए, पार्टिसिपेशन और टेक्नोलॉजी के लिए पूरी तरह से खोलने का बहुत बड़ा फैसला लिया है। इसका भी ध्यान रखा गया है कि जो नए प्लेयर्स, प्राइवेट प्लेयर्स माइनिंग के क्षेत्र में आए, उन्हें फाइनेंस के कारण कोई दिक्कत ना हो, उसका भी ध्यान रखा गया है, ताकि नए लोगों को प्रोत्साहन मिले। साथियों, एक मजबूत माइनिंग और मिनरल सेक्टर के बिना सेल्फ रिलायंस संभव नहीं है, क्योंकि मिनरल्स और माइनिंग हमारी इकोनॉमी के इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं। अब रिफॉर्म्स के बाद अब कोल प्रोडक्शन, पूरा कोल सेक्टर भी एक प्रकार से आत्मनिर्भर हो पाएगा। अब कोयले के लिए बाजार खुल गया है। जिस सेक्टर को जब जितनी जरूरत होगी वो खरीदेगा। साथियों, जो रिफॉर्म्स के लिए और जो रिफॉर्म्स हमने किए गए हैं, उसका लाभ सिर्फ कोल सेक्टर को ही नहीं, दूसरे अन्य सेक्टरों पर भी पड़ेगा। जब हम कोल प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो पावर जनरेशन बढ़ने के साथ ही स्टील, एल्यूमिनियम, फर्टिलाइजर, सीमेंट जैसे तमाम दूसरे सेक्टर्स में प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग पर भी सकारात्मक पॉजिटिव इंपैक्ट होता है।